तो दोस्तों मैं आ चुका था चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की तरफ और देखिए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन किस तरह का दिखता है। काफ़ी बेहतरीन केंद्र शासित प्रदेश है ये। अब अंदर की तरफ मैं लेकर आपको चलता हूँ, देखिए अंदर किस तरह दिखता है। तो आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल ब्लॉग्स विद सुल्तान। तो मैं समय हूँ चंडीगढ़ में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो काफ़ी बढ़िया ये है। उसके अलावा ये भारत का स्मार्ट सिटीज़ में आता है। चंडीगढ़ का फॉर्मेशन हुआ था 1953। चंडीगढ़ बहुत ही अलग है और हाल ही के वर्षों में सरकार ने यहाँ पर गो ग्रीन का नारा दिया। हमारे पीछे देखिए सड़कों के किनारे इतनी बेहतरीन सड़कें हैं। उसके अलावा मैं आपको सड़कें दिखाता हूँ। पैदल चलने वालों के लिए अलग व्यवस्था है और सड़कें चौड़ी चौड़ी है। ग्रीनरी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। हमारे पीछे खुद ही देख सकते होंगे नीला आसमान और काफ़ी कुछ चीज़ें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ की सड़कों को बहुत अलग तरह से बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये मेन रोड है, उसके बीच बीच पेड़ पौधे लगाए गए हैं। उसके अलावा इधर साइकिल ट्रैक बनाया गया है। तो सबका अलग अलग ध्यान रखा गया है और हरियाली चारों तरफ आप खुद ही देख सकते होंगे कितनी बेहतरीन हरियाली है। तो काश ऐसा हर शहरों में होता तो अलग ही बात होती। उसके अलावा यहाँ सेक्टरों में बांटा हुआ है, चंडीगढ़ को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 20, 30 ऐसे करके बांटा गया है। दोस्तों ये जो सड़क है, ये सड़क बड़ी गाड़ी चलने के लिए है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए सड़कों के बीच बीच में पेड़ लगाए गए। उसके तरफ ये देखिए साइकिल वालों का अलग रास्ता है, साइकिल और पैदल वालों का। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, कि स्मार्ट सिटी के रूप में ऐसे ही होना चाहिए। और यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुकून और शांति भरा माहौल मुझे नज़र आ रहा है। उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ मुझे ग्रीनरी नज़र आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलना काफ़ी ज़रूरी है। प्रकृति चंडीगढ़ के हर एक मार्केट में कार को पार्क करने के लिए अलग अलग स्लॉट बनाया गया है। आप खुद ही देख सकते हैं ये सामने की तरफ। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बाइक और कारें एक लाइन से खड़ी होती हैं, कोई बेतरतीब नहीं खड़ी होती हैं। मैं इस समय हूँ चंडीगढ़ के सेक्टर 20C में। तो सेक्टर 20C पूरा लैपटॉप और कंप्यूटर का मार्केट है। हमारे पीछे लाइन से कंप्यूटर का मार्केट। उसके अलावा गाड़ी पार्क करने के लिए इतनी बेहतरीन व्यवस्था बनाई गई है। रोडें काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं। तो सुबह सुबह का समय है, चलिए मैं कुछ नाश्ता ढूंढ रहा हूँ, अभी नाश्ता मिलता है अभी। तो ये देखिए हमारे पीछे सब दुकानें बंद हैं। चंडीगढ़ में 10 बजे के बाद ही दुकानें खुलती हैं, वैसे तो अमूमन हर शहरों में 10 बजे के बाद ही दुकान खुलती है। यहाँ पर सेक्टर 20C में सुबह सुबह सिर्फ पराठे की दुकान मिल पाई है। भाई सुबह में पराठे लगाते हैं, शाम में ब्रेड पकौड़ा और बेहतरीन तरीके की पकौड़ी लगाते हैं। अभी मैं दिखाऊँगा शाम वाला कि पकौड़ी किस तरह की होती है। सुबह सुबह आलू के पराठे बेहतरीन तरीके के आप देखिए भाई बनाता है, और मैंने टेस्ट किया, एक नंबर लाजवाब था। लगातार 2 से 3 दिन मैं वहाँ रुका, तो यहाँ पर यही पराठे सुबह सुबह मिलते थे, पराठे दही और चटनी के साथ। तो एक नंबर पराठा था। उसके अलावा पराठे को देखिए किस तरह से ये घी लगाकर मक्खन लगाकर देता है, आप खुद ही समझ सकते हैं। उसके अलावा ये पकौड़ी जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आलू की पकौड़ी है, ये भी बिल्कुल अलग तरह की टेस्ट देती है। इसके साथ ये भाई जो चटनी देता है वो भी अपने आप में लाजवाब और कमाल होती है। तो इस तरह की पकौड़ियाँ बहुत कम ही शहरों में मैंने खाई है, लेकिन पंजाब हरियाणा का टेस्ट बिल्कुल अलग है। मगर बनाने वाला भाई जो था यूपी का था। यूपी और बिहार वाले पूरे देश भर के हर कोनों में आपको मिल जाएंगे। और ये जो लाइन देख रहे हैं ये कनाडा जाने वालों की लाइन है, सुबह सुबह जो लगती है काफ़ी लंबी। तो हम लोग निकल पड़े थे ऑटो लेकर घूमने के लिए। तो यहाँ का ऑटो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। कुछ जगहों पे शेयरिंग चलता है, कुछ जगहों पे जेन्युइन प्राइस पे चलता है, और शहरों की तरह लूट नहीं है। और आप खुद ही देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर हरियाली है। हरियाली देखकर आपको मज़ा ही आ जाएगा, आँखों को ठंडक मिलेगी। चंडीगढ़ में मैंने लोगों से सुना कि यहाँ एक सदर बाज़ार लगती है, जो कि मुंबई की तरह काफ़ी सस्ती होती है। यहाँ तक कि लोग बोले कि मुंबई से भी सस्ती होती है। तो मैं सदर बाज़ार की तरफ आ गया था, और देखिए यहाँ चप्पलें लगी हुई थी, चूड़ियाँ बिक रही थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे एक चीज़ लगी, 30 रुपये में कोई भी सामान इसमें मिल रहा था, सिर्फ 30 रुपये में, और 100 रुपये में 4, जो कि छोटे बच्चों का था। 30 रुपये में इतना सस्ता मैंने कहीं नहीं देखा, यहाँ तक कि मुंबई में भी मुझे नहीं मिला। साथ ही साथ मैं थोड़ा आगे ही बढ़ा तो ये देखिए 50 रुपये में शर्ट मिल रहा था। मुझे लगता था किलो के भाव में भाई लाया है, 50-50 रुपये में शर्ट मिल रहा था, छाटो बीनो ले जाओ। और शर्ट हर क्वालिटी का था, डेनिम था, फॉर्मल था, हर एक तरीके का शर्ट था। मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से देखा,
तो काफ़ी कमाल की मार्केट और काफ़ी सस्ती मार्केट मुझे ये लगी। तो मैं आ चुका हूँ चंडीगढ़ के सदर बाज़ार मार्केट में, जो कि काफ़ी सस्ती मार्केट है। यहाँ की सबसे सस्ती मार्केट मुझे लग रही है। यहाँ 30 रुपये से 50 रुपये में कपड़े मिल जा रहे हैं, काफ़ी सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जा रही हैं। तो उसके अलावा ये सब चीज़ें 30-30 रुपये में यहाँ पर मिल जा रही हैं। और पीछे मैंने शर्ट दिखाया वो भी 50-50 रुपये मिल रहा है, किलो के भाव में मिल रहा है। काफ़ी सस्ती मार्केट है ये। फीमेल की शॉपिंग के लिए तो पूछो मत, यहाँ कितने सारे सामान थे। 150-150 रुपये में टॉप मिल रहे थे, लेगिंग्स मिल रही थी, एक से एक सामान यहाँ पर मिल रहा था। आप खुद ही सामने की तरफ देख सकते हैं, 200-150 रुपये में सेल लगी हुई थी कुछ बहुत छाटोबीनों। तो मुझे हिल रोड बांद्रा और नाखुदा मोहल्ले की याद आ गई, जो कि मुंबई में लगता है। दिल्ली की पालिका बाज़ार भी ऐसे ही है, और साथ ही साथ ये सब 150-150 रुपये में मिल रहा था। तो मुझे काफ़ी अच्छी और काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ मिला। और जैसे ही मैं थोड़े आगे बढ़ा तो ये चप्पल और जूतों की दुकान आ गई। तो यहाँ पर 200 रुपये से शुरू होकर 2000 रुपये तक जूते मिल रहे थे अलग अलग क्वालिटी के, लेकिन जूतों की जो क्वालिटी थी मैंने चेक की वो काफ़ी अच्छी थी। उसके अलावा लेडीज़ आर्टिकल्स एंड किड्स आर्टिकल भी काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर अवेलेबल थे। तो मैं थोड़े आगे ही बढ़ा था तो 350 रुपये में फ़िक्स प्राइस में, ये देखिए, लेडीज़ सूट्स का कलेक्शन काफ़ी अच्छा और बेहतरीन था। कपड़े की क्वालिटी मैंने चेक की वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो अगर लेडीज़ सूट लेना है, अगर आप चंडीगढ़ जाते हैं तो एक बार सदर बाज़ार विज़िट कर सकते हैं, एक अच्छी मार्केट है। उसके अलावा इनके पास कलर्स काफ़ी अच्छे अच्छे अवेलेबल थे। आगे देखिए और भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए लेडीज़ आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और चैनल में चेकआउट करिए, काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियोस हैं। और कमेंट्स करके बताइए मार्केट आपको कैसी लग रही है, यहाँ के सूट्स कलेक्शंस कैसे आपको लग रहे हैं। उसके अलावा ये ब्लैक कलर वाला पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, ये 600 रुपये का कह रहा था। तो चेक करिए और भी वीडियोज़ मेरे चैनल में।